Hey everyone, come on Gani, welcome to my channel and welcome to the new vlog. अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि परसों 26 को है जन्माष्टमी और मुझे लेने जाना है कान्हा जी का कुछ सामान. मतलब उनका झूला पहले था वो थोड़ा छोटा था तो हमें थोड़ा झूला बड़ा लेके आना है और कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह लेके आनी है. तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे साथ जा रहे हैं मम्मा और वर्षा. वर्षा हमें पुराने वाले घर के पास में मिल जाएगी और मैं और मम्मा रेडी हो चुके थे बट हमारे साथ एक चुल हो गई गाइस कि हम लोग निकल रहे थे और बारिश आ गई तो हम लोग फिर से बैठ गए. मम्मा ने खाना वाना खा लिया और मैंने सुबह टोस्ट ले लिए थे तो मेरे को भूख नहीं थी तो मैं खाना घर आने के बाद खा लूँगी. घर आने के बाद तो मैं क्या खा लूँगी, एक्चुअली मैं बाहर ही कुछ खा के आ जाऊँगी इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ, थोड़ा बहुत रख रही हूँ. और आज मैंने वेयर की है ये वाली ड्रेस. मैंने नीचे ब्लैक लोअर और ऊपर ब्लैक टी शर्ट वेयर कर ली है. मतलब थोड़ा कलर डिफरेंस है दोनों के अंदर. मैं हो चुकी हूँ रेडी, बाहर मम्मा भी रेडी है और बाहर आ रही है बारिश तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ पहले. और जिस वाली अलमीरा के अंदर मैं शॉर्ट ले रही हूँ ये अलमीरा अलग से मेरी है, शादी से पहले भी मेरी थी और शादी के बाद भी मेरी है क्योंकि इसमें लगभग जो भी सामान है जो भी क्लोथ्स वगैरह वो सारे मेरे ही हैं. तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर. मम्मा ने ये इसके अंदर कुछ एक सूट था तो मम्मा ने उसको डाल लिया है और मम्मा वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का. ये रहे हमारे दोनों जंगू मंगू. शेरी अभी सो रहा है मतलब हाफ नींद के अंदर है. इधर हमारी पीहू मैडम बैठी है, एक और है वो पता नहीं किधर गई. और बाहर आ रही है बारिश, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्की फुल्की बारिश है लेकिन फिर भी गीले तो होते हैं. और हमारे पड़ोस में भी किसी के यहाँ पे काम चल रहा है. और हमारे घर के सबसे शैतान बच्चे को मैं दिखाती हूँ, ये है हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा चीकू. चीकू ये देखो इसको देखो चीका. वो उधर भाग चुकी है चीका, ये छुप रही है चीका चीका चीका. ये लो ये लो, अब वो छुप चुके है गेट के पीछे. ता ता बेटी ता ता बेटी. बहुत शैतान है ये, बहुत शैतान है. से भाग के ये स्टोर रूम में आके छुप गई. चीका चीका, इसकी मुझे आईज बहुत प्यारी लगती है चीका. मैं इसको थोड़ी देर बाहर लेके जाती हूँ, बाहर इसको थोड़ी देर घुमाती हूँ. इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है हमारा, एकदम लाइट वेट बच्चा. बहुत इसको बहुत खुला चाहिए, इसको सब कुछ बहुत खुला चाहिए, ना ही तो ये पिंजरे में रहती है. और इधर इतनी देर बारिश धीरे आ रही थी और अब बारिश तेज आने लग गई है. इस साइड में मौसम एकदम साफ है, इधर देखो एकदम काले बादल आ रखे हैं. बस जल्दी से बारिश रुक जाए. ये देखो हमारे बच्चे कितने शांत है ना, देखा है क्या आपने इतने शांत बच्चे कभी. लेकिन एक पुराना वीडियो मेरे पास बाकी है, मैं उसको अपलोड करूँगी तो आप देखना कि ये कैसे लड़ते हैं सारे के सारे. जब मासी वाली डॉगी यहाँ थी तब भी ये बहुत ज़्यादा लड़ते थे, ये आपस में कम लड़ते हैं. आ गए हैं कानू के लिए सामान लेने के लिए क्योंकि आपको पता है ना जन्माष्टमी आ रही है तो हमने कानू का सामान यहाँ से ले लिया. मम्मा कुछ और भी देख रहे हैं क्योंकि इन पे है ये काजू बादाम लगे तो मम्मा ये और ड्रेसेस देख रहे हैं. मम्मा को अगर पसंद आएगी तो ले लेंगे, बाकी सारा सामान मैंने ले लिया है. हमारा सारा सामान हो चुका है डन. मम्मा को ये वाली ड्रेस काफ़ी पसंद आ रही है, देख लो. मम्मा को ये वाली ड्रेस काफ़ी पसंद आ रही है तो देखते भी लेते हैं नहीं लेते क्योंकि ये आर्टिफिशियल काजू है. ये पकड़ा काजू बादाम किशमिश इलायची जो भी है ये सब आर्टिफिशियल है. और हमारा वाला सामान इस वाली पॉलिथीन के अंदर हो चुका है डन. यहाँ से हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब लोगों को जाना है कुछ शॉप पे, वहाँ से कुछ और सामान भी लेना है. और यहाँ से मेरी मटकी वटकी वगैरह सब डन. और कानू की ड्रेसेस मतलब इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है ना, मैंने इसमें से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस छांटी हैं. रेड वाली रेड थी ना, रेड एक तो हम लोग
लोगों ने एक ड्रेस और पसंद कर लिया कानों के लिए, पिंक वाली ड्रेस, क्योंकि मम्मा को काफ़ी बहुत पसंद आ गई थी। अब फाइनली हमारा सामान हो चुका है डन और शॉप पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं आज कानों के लिए। और ये वाला एरिया, इस एरिया में आप कभी भी आ जाओ वैसे ही भीड़ मिलेगी, बाकी मार्केट में जितनी भीड़ नहीं है लेकिन इस वाले एरिया के अंदर तो है। तो सारा सामान ले लिया मैंने स्कूटी पे, लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं टांगूंगी क्योंकि पैर लगता है। इनसे हाथ में ले लो अब मम्मा वीडियो चालू होते अपने आप को सामान लग जाता है। तो ये वाली शॉप से हम लोगों ने सारा सामान ले लिया है और इस शॉप का नाम है सागर बर्तन भंडार। से आपको कानू जी की सारी ड्रेसेस, नए कानू जो भी लेने आप सीकर में आके ले सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं जो हमें सामान और लेना है वहाँ पे। तो हम लोग आ चुके हैं हमारी वाली शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मेरी कुछ ड्रेसेस सिली हुई थी तो मैं वो लेने के लिए आई हूँ। हम आके बैठ चुके हैं। मैंने अपना सारा सामान ले लिया है और आवाज़ तो आपको कम आएगी क्योंकि मार्केट के अंदर है। और मम्मा लेने के लिए गए हैं अपनी कैंची, मतलब न्यू कैंची लेने गए। उनकी जो सिलाई वाली कैंची थी वो ख़राब हो गई। मैंने कर रखा है स्कूटी को साइड में पार्क और मैं कर रही हूँ मम्मी का वेट। और स्पीकर के जाटे बाजार की हालत दिखाती हूँ मैं आपको, कितना रश। आप कहीं भी और कौन से एरिया में भी चले जाओ, मार्केट वाले एरिया में तो आपको यही रश मिलेगा। अभी तो फिर भी कम हो गया, अभी तो बहुत था। और ये बीच में पार्किंग लगा रखी है, जिस जल्दी से मम्मी आ जाए क्योंकि लेट हो रहा है, घर जाने में फिर लेट हो जाएगा। ऑलरेडी शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी हालत भी हेलमेट की वजह से कुछ इस तरह की हो गई है। मेरे बाल देखो सारे अजीब से हो गए हैं बाल हेलमेट की वजह से। हेलमेट कंपलसरी है ना इसलिए, और लगाना भी चाहिए। तो अभी बज चुके हैं 6:30 और हम आ चुके हैं घर वापस। मेरी हालत देखो क्या हो गई है। और क्या है ये कानू का सामान और ये वाला सामान, मतलब घर की नेसेसरी चीज़ें जो ग्रोसरी आइटम था वो लेके आए। तो हम लोग आ चुके थे घर वापस और मैंने पीयू को बांध दिया है क्योंकि पीयू बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी। शेरों को भी मैंने बाहर बांध दिया वापस से। और जो भी सामान मैं कानू का लेके आई थी वो सारा सामान मैं आपको दिखाती हूँ। तो कैमरा मैन प्लीज थोड़ा फोकस करो, पीयू बेटा आप थोड़ा साइड हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरे को सामान दिखाने नहीं देगी तो मेरे को थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा साइड में बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ली कानू के लिए ये वाली प्यारी सी मोर पंख, और उसके बाद में इतने सारी कानू की ड्रेसेस। मेरे को थोड़ा पीहू को साइड में बांधना पड़ेगा, मेरे को साइड में बैठना पड़ेगा क्योंकि पीहू। ये वाली सारी ड्रेसेस थी कानू की। फर्स्ट ये वाली ड्रेस, ये वाली ड्रेस मैंने आपको दिखाई भी थी लास्ट मोमेंट में, हमने ली थी। ये सारा इसमें जो भी काजू बादाम ये सब है, ये सब आर्टिफिशियल है। तो मैं इस वाली ड्रेस को आपको ओपन करके दिखाती हूँ। हमारे कानू की ड्रेस है ना इसलिए, तो क्यों ना मैं कानू के लिए कपड़े दिखाई रही, तो मैं कानू को भी क्यों ना बाहर लेके आती हूँ। मैं कानू को बाहर लेके आती हूँ, गुनू आप प्लीज कानू को बाहर लेके आओ। तो हमारा कानू भी बाहर आ चुका है। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा कानू। तो कानू का फेस में मैंने देख ली थी कानू के लिए ड्रेसेस है ना, कानू खुश हो रहा होगा। तो मेरे लिए बहुत सारी ड्रेस आ गई। तो सबसे पहली ड्रेस ये वाली सुंदर सी प्यारी सी कानू की ड्रेस, और उसके बाद के अंदर नेक्स्ट वाली कानू की ड्रेस है ये वाली प्यारी सी पर्पल कलर की ड्रेस। आज तो कानू के मजे हो गए, कानू के लिए बहुत सारी ड्रेसेस आई है। और थर्ड वाली ड्रेस थी, क्योंकि सिंपल कपड़े भी चाहिए होते हैं तो हम लोग सिंपल क्लोथ चाहिए होते हैं, तो थर्ड वाली ड्रेस थी हमने ये वाली प्यारी सी ड्रेस, क्योंकि घर पे वेयर करने के लिए तो चाहिए ना कानू के लिए। और फोर्थ वाली ड्रेस फिर से ये लाइट पर्पल ड्रेस है प्लस ऑरेंज और ग्रीन का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वाली ड्रेस है ये वाली, फिर नेक्स्ट वाली ड्रेस है कानू की ये वाली। ये वाली है लाइट पिंक कलर में, ये वाली प्यारी सी ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी ये पहनी भी। और ओहो इसके साथ में तो कानू की पैंट भी है, कानू पैंट भी पहनेगा क्या? कानू की पैंट है साथ में। और नेक्स्ट वाली ड्रेस ये वाली,
एक्चुअली ये वाली ड्रेस जो मेरे मामू साहब के घर पे कानू है उसके लिए ली है हमने, क्योंकि किसी को टाइम नहीं मिलता वहाँ लाने के लिए, तो ये वाला ड्रेस हमने मामी साहब वाले कानू के लिए ली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली ड्रेस, ऑरेंज वाली ड्रेस, और मेरे को ये वाली ड्रेस सबसे सुंदर लगी, तो मैंने सोचा है कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन कानू को ये वाली ड्रेस ही पहनाऊंगी, बहुत प्यारी ये ड्रेस। तो ये सारी थी कानू की ड्रेसेस। और उसके बाद में हमने आज इस बार कानू के लिए परचेज किए गौ माता, पिछली बार हमारे पास गौ माता नहीं थी तो ये कानू की गौ माता, ये कानू को खाने हमारे कानू के लिए छोटी कटोरी अलग से मक्खन वगैरह डालने के लिए। और कानू की जो मटकी है वो मेरे पास पहले से पड़ी थी तो मैंने कानू के लिए मटकी इस बार नहीं ली। और फिर है ये हमारे कानू का नया वाला आसन जो हम लोग लगाएंगे इस वाले झूले पे। आज हमने कानू के लिए न्यू झूला परचेज किया है। कानू आज तो बहुत खुश हो गया होगा क्योंकि हमारे कानू का जो पहले वाला झूला था उसकी एक कड़ी यहाँ से निकल गई थी, वो टेढ़ा हो गया था, लेकिन ये वाला कानू का झूला बहुत ही प्यारा है। जन्माष्टमी वाला दिन हमारा कानू इस पे झूलेगा। और अच्छा, एक ड्रेस और भी रह गई थी तो मैं वो वाली ड्रेस भी आपको, एक ड्रेस हमारे कानू की ये रही। आपको हमारे कानू की ड्रेसेस कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। और इनके अलावा जो कानू की एक्सेसरीज है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो कुछ मम्मा का सामान है, इसमें गुआर है। तो सबसे पहले हमारे कानू के प्यारे प्यारे से हेयर्स, क्योंकि ड्रेसेस पे हेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये हमारे कानू को लगाने के लिए इत्र, और कानू के कुछ गले के सेट्स है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं सारे साथ में निकाल लेती हूँ। तो फर्स्ट वाला है ये वाला प्यारा सा, और सेकंड वाला है ये वाला पिंक कलर की ड्रेस पे, पिंक कलर का मैचिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट है ये रेड कलर में जो सब पे मैच हो जाएगा। और एक ये स्काई ब्लू कलर में मेरे को अच्छी लगी थी माला, तो मैंने एक ये वाली माला ले ली कानू के लिए। उसके बाद में है हमारे कानू के साफे। तो पहला साफा है ये मेरे को बहुत ज्यादा प्रिटी लगा, और इसके ड्रेस में मैच भी हो रहा है ये वाला। और नेक्स्ट वाला था ये वाला, इसको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये वाला ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर में, और ये है मामीसा वाले कानू के लिए। नेक्स्ट ये हमारे कानू की बांसुरी, और ये मामीसा वाले कानू की बांसुरी। मामीसा वाला कानू छोटा है इसे उसके लिए छोटी बांसुरी, हमारे वाला कानू बड़ा है तो हमारे वाले कानू के लिए बड़ी बांसुरी। और फिर इस बार हमने एक न्यू चीज हमारे कानू के लिए परचेज की, और वो है ये गिटार। हमारे कानू को गिटार बजाना बहुत पसंद है, तो हमारे कानू इस बार बजाएगा गिटार, है ना कानू, बजाएगा ना गिटार। और फिर हमारे कानू के लिए ये प्यारी प्यारी चूड़ियां, एक ये वाली, और मामीसा वाले कानू के लिए ये वाली चूड़ियां। मामीसा का जो भी सामान है वो मैं मामीसा को कल सुबह मॉर्निंग में घर दे दूंगी। तो ये सारी शॉपिंग थी हमारी कानू के लिए। और आप लोगों को हमारे कानू की शॉपिंग कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। हमारा कानू तो आज बहुत खुश हो गया है ना कानू, बहुत खुश हो गया ना आज, मंद मंद मुस्कुरा रहा है हमारा कानू। तो ये सारा आइटम हम लोगों ने आज परचेज किया हमारे कानू के लिए। और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बच गए हैं जो मैं सोच रही हूँ कि मतलब बलून्स वगैरह है, तो इस बार सोचा ये है कि हम इस बार बलून्स मतलब अंदर नहीं लगा के बाहर लगाए, क्योंकि हमारा जो पूजा घर है ना उसमें इतना स्पेस नहीं है कि तीन चार लोग साथ में जा सके। तो सोच रहे कि हॉल में ही कहीं डेकोरेशन करेंगे तो हम कानू को आराम से खिला भी पाएंगे और हम कानू का डेकोरेशन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप लोगों को हमारे कानू की एक्सेसरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज के ब्लॉग की एंडिंग यही करते हैं गाइस। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड कल हम लोग जाएंगे कहीं बाहर, मतलब मैं और लालू कुछ प्लान बना हुआ है, देखेंगे वो हमारा लास्ट टाइम फिक्स होगा। बाकी आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड राखी ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और राखी पे मुझे क्या क्या मिला, उसमें सिर्फ फोटोज थी, क्लियर अप नहीं था। तो राखी पे मेरे को क्या क्या मिला गिफ्ट के अंदर
वो सब अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं राखी के बाद में ससुराल वापस क्यों नहीं गई, तो उसके पीछे रीजन था कि मेरे को जाना था जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे मैं वापस जा रही थी, लेकिन मेरी एग्जाम का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। मतलब मेरी बीएड के सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम हो चुकी है और सेमेस्टर सेकंड की जो एग्जाम्स है वो अब है 11 डेट्स, तो वहाँ से भी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया। तो उसी वजह से मैंने घर पे फ़ोन करके पूछा तो मेरे को मेरे ससुर जी ने मना कर दिया कि बोला आप मत आना, एग्जाम्स फिनिश हो जाए उसके बाद में ही आप आराम से आ जाना। तो बल्ले बल्ले गाइस, मैं ससुराल अभी नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन खुश होने के साथ में घूमने फिरने के साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, तो मैं स्टडीज़ को भी अपनी कंटिन्यू करूँगी। ओके बाय बाय।